तू ही कब तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है, है, है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो, फिर शान की पहचान हो कुछ ऐसा। नमस्कार, वेलकम टू द डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। आप जो घर पे बैठे देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है, ना कि यहां बैठे हुए मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, और मैं समझता हूं कि आप सब जो घर बैठे ये शो देख रहे हैं आप सबके लिए भी बहुत जरूरी है। आइए देखिए आज का क्या प्रोग्राम है। टाइम इज प्रेशियस, कहते हैं समय बलवान होता है, अगर हम इसके मुताबिक नहीं चलें तो ये हमें पीछे छोड़ देता है। आपने दो तरह के लोग जरूर देखे होंगे, एक वो जो हमेशा समय ना होने का बहाना बनाते हैं, और दूसरे वो जिनके लिए हर काम समय पर पूरा पूरा करना लक्ष्य होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अंतर क्यों है? क्या समय नहीं होने की बात करने वाले लोगों के पास एक दिन में पूरे 24 घंटे नहीं होते, या फिर इनके लिए वक्त की कीमत नहीं होती? सच तो ये है कि हर किसी के पास बराबर समय होता है, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि वो समय का कब, कैसे और कहां इस्तेमाल करता है। आज हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सफल होने के लिए समय की कीमत को समझना कितना जरूरी है और कैसे समय का सदुपयोग किया जा सकता है। सो उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये सब हम जानते हुए भी, पर हम दिनमरिया दिनचर्या में क्या करते हैं? अरे यार, आई डोंट हैव एनी टाइम। हाँ, क्यों ऐसा कहते हो कि नहीं? काश मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता। अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है यार, एग्जामिनेशन आने में, कर लेंगे ना, क्या जल्दी है? कितने लोग कहते हो ये बात, सोचते हो? बी ऑनेस्ट, दैट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। लेकिन जल्दी क्या है, अभी बहुत समय है। ये सोचते सोचते वो एग्जाम जब सर पे आ जाता है तो फिर क्या करते हैं? रट्टा लगाने का कोशिश करते हैं या कोई कुछ भी करने को प्रयास करते हैं? यार मैंने गलती कर दी, पहले ध्यान नहीं किया। अरे मैं तो करना चाहता था, वो गौरव है ना, उसने नहीं करने दिया। मैंने उसको बोला था पहले, लेकिन नहीं सुनता, दादागिरी करता है। पता नहीं क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें होती हैं। तो आज का विषय यही है कि टाइम इज प्रेशियस, इसको हाथ से मत जाने दो। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को बहुत सी बार इस कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। कोई अपनी कठिनाई शेयर करना चाहेगा क्या? एक ओलंपिक के सिल्वर मेडल विनर से पूछिए, उसको कदर होगी कि मिली सेकेंड की क्या कदर होती है। क्योंकि एक मिली सेकेंड में उसका गोल्ड चला गया, गोल्ड की जगह उसको सिल्वर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है कि नहीं, ये सोच जी। 9th जून 2010 में एक मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पे गया था, तो वहां पे हम ऐसी मस्ती कर रहे थे और एक रिवर में, मेरा मतलब ऑलमोस्ट हम सब उसमें फंस गए थे। तो एक वहां पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट माय लाइफ। तो कैसे वैसे वहां के लोगों ने बचाया, और आई विल कंसिडर दिस एज माय सेकंड लाइफ। तो तब से मैंने डिसाइड किया है कि जो भी करूंगा, मतलब जितना भी मैं काम ले सकता हूं अपने पास,
उतना लेता हूँ, मुझे पता नहीं रहता कि मैं कैसे करूंगा इसको, बट आई टेक ऑन द वर्क एंड देन लेटर फिगर आउट कि हाँ इसको करना है। वेरी गुड। उससे पूछिए कि एक सेकंड की कीमत क्या होती है जिसका एक्सीडेंट होता है, एक सेकंड की वजह से बच जाता है। मैं अपनी बात बताता हूं, 1.5 साल पहले इसी तरह लखनऊ में मैं इस बात की चर्चा कर रहा था। विषय तो कुछ और था लेकिन विषय टर्न हो गया टाइम मैनेजमेंट पर। किसी स्टूडेंट ने पूछा कि जी हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड व्हाट इज द वे हाउ डू वी मैनेज अवर टाइम। अब मैं सच बोलूं, आज यहां बोल रहा हूं, अब पब्लिक में जाएगी ये बात, मैं सोचा कि क्या जवाब दूं यार, मैं खुद टाइम बहुत वेस्ट करता था उससे पहले। ओब्लाइजिंग नेचर, कोई दोस्त आ गया, चलो यार चाय कॉफी पिलाओ, दफ्तर में आ गया, आई कांट से नो, बैठे हैं आधा घंटा, चार लोग अपॉइंटमेंट के लिए आए हुए हैं वो भी बाहर बैठे हुए हैं, लेट हो रहे हैं, लेकिन ना नहीं कर सकते। तो मैंने उस स्टूडेंट को ये कहा कि भाई थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे अगला सवाल पूछिए आप, क्योंकि मुझे खुद नहीं था कि मैं जवाब आप क्या दूं, मुझे जवाब देना मुश्किल था, अगला सवाल उतने तक सोचता रहा। तो मेरे मुंह से निकला कि ट्रीट दैट इट इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। और फिर मैंने उसके बाद से, खैर मैंने तो प्रैक्टिस करना शुरू कर ही दिया उसको, लेकिन जब मैंने ये सवाल पूछा कि आप क्या करोगे अगर आपको लगे कि मेरा ये आखिरी दिन है, कल जिंदा नहीं रहूंगा, यार जिंदा नहीं रहूंगी, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या करोगे भाई, अब आपसे पूछता हूं क्या करोगे अगर ये लगे कि आज का दिन आखिरी दिन है, अगले दिन 24 घंटे का समय है मेरे पास, इसके बाद मैं नहीं उठूंगा। I will spend most of the time with my family. मैं मंदिर में जाके भगवद गीता सुनूंगा। मंदिर में जाके भगवद गीता सुनूंगा। Since my family is going to suffer a lot after after I die, so I'll spend the entire day in trying to figure out all my financials and all the things which they will require after I'm not there. सर सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करूंगा अपने दोस्तों से। बहुत अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए देखिए, सबने जो बातें की उसमें एक बात समझ में आती है जो मुझे उस दिन समझ में आई कि जिस दिन हमें पता है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है उस दिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप बैठ के कॉफी शॉप में बैठ के गप्पे नहीं करोगे, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, उस दिन ये सोचोगे यार बाकी क्या रह गया जिंदगी में उसको पूरा करूं। यही टाइम मैनेजमेंट है और इससे ज्यादा मुझे तो समझ में नहीं आता। ट्राई एंड प्रायोरिटाइज, ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इंपॉर्टेंट हो जरूरी हो वो अभी करनी है, पहले करनी है। एन एडिटर ऑफ ए वीकली मैगजीन, उसके लिए एक हफ्ता की बड़ी कीमत है क्योंकि उसको अगले हफ्ते उसकी मैगजीन आनी है। सो एनी वे दीज आर द फ्यू थिंग्स। तो अभी मैं अपने गेस्ट को बुलाऊं, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद मी। उनके लिए 5 मिनट के मायने गलत हैं, उनकी वोकैबुलरी में एक डिफरेंस है। वी स्पीक मेटाफोरिकली, जैसे हम कई बार किसी आदमी को गाली देके बात करें, डू वी रियली मीन के हम वो उसको गाली दे रहे हैं? हम एक आदमी को बोलते हैं आई विल बी बैक इन अ सेकंड, डू यू रियली मीन कि आप एक सेकंड में वापस आ रहे हैं? तो अभी मैं अपने मेहमान को बुला रहा हूं आपके सामने, और खासकर अपने मेहमान जो घर पे बैठे कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं बुलाना चाहता हूं प्रोफेसर धीरज शर्मा को, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर हैं। When I met him first, it was in IIM Ahmedabad, and I was happy to see him as director of this IIM Rohtak, which is my home state. And his work is mainly in public policy domain. आज आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या सोचना है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। वेलकम वेलकम शर्मा जी, ये बताइए
आप बोर नहीं होते इतना पढ़ते पढ़ते? पता नहीं क्या क्या पढ़ा है आपने। हम तो 10वीं क्लास पास करके भी हमने सोचा बहुत पढ़ लिया। ये पढ़ना भी एक नशा है। हाँ। आपको एक किसकी आदत पड़ जाए तो फिर आपका जी नहीं लगता है। और पढ़ना सिर्फ किताबों से नहीं है जी। पढ़ना ऑब्जर्वेशन है, पढ़ना एक्सपेरिमेंट्स है, पढ़ना लोगों से मिलना है, उनसे बात करना, हर चीज में पढ़ाई है। हर चीज में, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो मेरे जैसे आदमी को थोड़ी हिम्मत बढ़ती है ऐसा जवाब सुन के कि कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं, सीखे हैं। चलिए, तो आप आज का विषय, हम प्रोफेसर शर्मा बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट का, कोई एनालिटिकल वे भी है जिससे कि मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक रख सकूं या कुछ रख सकूं? देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो अभी तक शोध हुआ है उसमें दो अलग अलग तरह के टाइम मैनेजमेंट के ओरिएंटेशन हैं, जैसे हम कहें टाइम ओरिएंटेशन। एक हम कहते हैं कि पॉलीक्रॉनिक टाइम ओरिएंटेशन, एक है मोनोक्रॉनिक टाइम ओरिएंटेशन। इसको कल्चर की तरह से अगर मैं समझाऊं तो एक आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे अमेरिका में, अमेरिका इज अ रिप्रेजेंटेशन, यहां मोनोक्रॉनिक कल्चर है और टाइम को मोनोक्रॉनिक तरीके से देखा जाता है। उसका मतलब यह है कि हर एक मिनट की कीमत है। अगर हम अपने बच्चों को समझाएं कि इनको रिटायरमेंट के टाइम पे अगर 4 करोड़ रुपए की जरूरत है तो उसका मतलब यह है इनकी जिंदगी में 40 साल हैं कमाने के लिए तो 10 लाख रुपए हर साल कमाने पड़ेंगे। 10 लाख को अगर 250 से गुणा करें तो उसका मतलब है 250 से अगर हम निकालें तकरीबन 4000 रुपया पर डे, और अगर हम उसे 8 घंटों से निकाल दें तो तकरीबन 500 रुपया प्रति घंटा इनको बचाना है। उस बचाने के लिए अगर बिजनेस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो 10 गुना कमाना है, तो वक्त की कीमत 5000 रुपया प्रति घंटा हो गई, निश्चित हो गई। वेरी गुड। अच्छा, ये मोनोक्रॉनिक ओरिएंटेशन है कि आपने वक्त का एक टाइम का एक एक मूल्यांकन कर, पूरा मूल्यांकन करके आपने उसकी कीमत निकाल ली, उसकी कीमत निकाल दी जी जी। अब दूसरा जो है पॉलीक्रॉनिक, पॉलीक्रॉनिक में का बेस्ट उदाहरण ये है, मैं उसमें यूरोप एग्जांपल लेता हूं। एक बार एक जर्मन और एक इटालियन की मुलाकात हुई। इटालियन जो है वो हमारी तरह है, थोड़े पॉलीक्रॉनिक है, हिंदुस्तानी जी। या हम हिंदुस्तानी पकड़ ले, जर्मन और हिंदुस्तानी की मुलाकात। तो जर्मन आदमी मिला उससे, वो बहुत नाराज है हिंदुस्तानी के आने पर। उसने, क्यों नाराज हो? He said, I have 9 o'clock written on my diary and it's 9:30. तो हिंदुस्तानी ने उसे जवाब लिखा, Why don't you write 9:30 right now and we both will be happy. ये that is polychronic orientation. Polychronic orientation. उसने उसको follow up किया। उसने कहा, देखो हम आए थे मिलने के लिए, मीटिंग तो हो रही है, हमारा एक पर्पस था एक बिजनेस को आगे बढ़ाना, वो भी बढ़ रहा है, तो आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर, क्या उसका क्या मकसद है? आउटकम अगर निकल रही है तो एक घंटा आधा घंटा इधर उधर हो जाए और बहुत सारी चीजें उसमें कोई बदल नहीं जाएंगी। तो प्रोफेसर शर्मा, आज के युग में तो ये नहीं चलता है। मुझे याद है कि मैं 81 में दिल्ली से शिफ्ट किया। दिल्ली में हम लोग थोड़ा इजी लेते हैं, बंबई में लोग टाइम पे रहते हैं। अब मैं कहीं जाऊं तो 15-20 मिनट आधा घंटा, अरे ठीक है ना, 15-20 मिनट लेट है। अब वो मिलने गया चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने उसके पीए ने कहा कि साहब योर टाइम इज फिनिश्ड, ही कांट मीट यू, आर 20 मिनट्स लेट। तो धीरे 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 वो आदत पड़ गई कि अब कभी लेट नहीं होता हूं। ये बड़ा अपने देश में भी ये जो आपने बताया ये काफी कुछ हद तक खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, ये खत्म हो रहा है और कुछ इसलिए क्योंकि एक अगर आप देखें कि हमारी एक सोसाइटी में एजुकेशन लेवल इतना ज्यादा नहीं है तो लोगों को एक सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर मिल जाए जो आसानी से समझ आ जाता है। जैसे मुझे अगर गाड़ी खरीदनी है तो अब मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे बता दिया जाता है कि सीसी है, उसके कुछ ट्रांसमिशन है उसके अंदर, या सेलफोन खरीदना है, कैमरा खरीदना है तो मेगा पिक्सल है, उसमें जूम है, दो चीजें बता दें, आई डोंट हैव टू बी एन इंजीनियर। उसी तरह अपनी जिंदगी को प्रोग्रेस करने के लिए मुझे कोई एक्सपर्ट होना, अगर मैं उसको सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में रुपया हो, खुशी हो, सेटिस्फैक्शन हो, उसमें मैं बांध लूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ये आपने ठीक कहा और शायद यही कारण है कि हमें दो तरह के लोग अपने बीच में ही देखने को मिल जाते हैं। एक तो वो जिसके पास काम नहीं है कुछ भी ज्यादा लेकिन फिर भी समय नहीं है, और एक वो जो बहुत कुछ काम है फिर भी समय ही समय है।
मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कुछ लोग हैं जो दिन में 16 से 18 घंटे काम करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करते, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट, इसको कैसे अचीव करना होगा? देखिए सर, ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये अगेन एक पाश्चात्य, एक वेस्टर्न थॉट है। हमारे यहां पे बचपन में हमको लिखाया जाता था वर्क इज वर्शिप। आई बिलीव, एंड ये मेरा अपना इसके ऊपर काम भी है, शोध भी है, आई बिलीव इन वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। इफ वर्क इज एंजॉयबल, इफ वर्क इज समथिंग यू लाइक, देन इट इज नो लॉन्गर ड्रजरी, फिर उसमें दर्द नहीं है। परंतु अगर आप काम को सिर्फ एक जैसे पेन की तरह, उसको एक 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 दर्द की तरह उसको लेंगे, तो मजबूरी की तरह लेंगे कि मेरी मजबूरी है ये करने की, वैसे लेंगे तो थक जाएंगे। सर, वेरी ऑफन वी हियर दैट सम सीईओज लाइक एलन मस्क एटसेट्रा, दे से दैट दे स्लीप फॉर 4 आवर्स अ डे और समथिंग, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हियर दैट पीपल से दैट इफ यू स्लीप फॉर 8 आवर्स और समथिंग देन यू आर मोर प्रोडक्टिव, rather than you're sleeping for 3-4 hours you are less productive. So like, what's your viewpoint? I think it's very relevant for us since we don't get a lot of time to sleep. How many hours you sleep? I like sleeping, so I sleep 6-7 hours, 8 hours. The answer to this question is there are two components of work, the quality of work and quantity of work. Abhi kya hai, again iske upar sir bahut zyada shodh ho chuka hai. Sweden mein वो कहते हैं कि 28 घंटा पर वीक अगर आदमी काम कर ले तो जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो जाती है, हाईली ग्रोइंग। फ्रांस में 35 है, जी जी जी, जर्मनी में 32-35 वहां पर भी चल रहा है, हिंदुस्तान में हम 60 घंटे पे चल रहे हैं। हमको करना ही पड़ेगा अगर हमको अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है, इतने लोगों को अगर फीड करना है, इतने लोगों को आगे। आपके पास 1.3 trillion पीपल एंड ग्रोइंग मच फास्टर, तो आपको फास्ट चलना ही पड़ेगा। और इसीलिए आइडियल जो बैलेंस है वो ये कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप अगर 18 घंटे कंप्यूटर पे बैठे हैं तो उससे काम ही निकलेगा। काम आप क्या कर, व्हाट इज द आउटकम। अगर आउटकम सेंट्रिक रहेंगे तो उसमें, और उस अगेन अगर हम अच्छे अच्छे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन वगैरह पढ़ें तो उसमें बताया जाता है कि कम से कम आपको 7 घंटे की नींद तो एक एवरेज आदमी को ले लेनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने काम की क्वालिटी, आउटकम पे फोकस करें, काम के प्रोसेस पे फोकस थोड़ा फोकस कम नहीं करिए। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप मेरे दर्शकों से, क्या आप मैसेज आज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि टाइम की हम कीमत अगर जान लें तो बहुत अच्छा है। अब हर एक इंसान उसका हर एक तरीके से मूल्यांकन लगा लेगा। आप चाहे पैसे में लगाएं, सेटिस्फैक्शन में लगाएं, परंतु आप मूल्यांकन जरूर लगवाएं। टाइम ओरिएंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको पर्सनल एक जैसे एक अपने आप बीती जिसे कहते हैं, मैं नया अमेरिका से वापस आया था, आई एम अहमदाबाद में, तो मैंने अपना घर में एंटर करना था रेगुलर हाउस ट्रांजिट हाउस से, तो माता जी ने हमें कहा कि वहां थोड़ा आप हवन करवा लें, तो हमने अपने बोला स्टाफ को कि पंडित जी को अरेंज कर दें, तो उन्होंने पंडित जी का टाइम अरेंज किया 9:00 बजे का। 9:15 बज गए, पंडित जी आए नहीं। 9:20 पे मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा पंडित जी आप कहां हैं? पंडित जी ने कहा कि यजमान मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। थोड़ी देर मैंने उत्तेजित होकर उनको फोन किया, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यजमान बस 2 मिनट, बस अभी आया, बस मैं द्वार पे पहुंच गया हूं। तो मैं अपने लॉन में आके खड़ा हो गया, मैंने कहा द्वार में कहां है, वो अभी भी नहीं आए। तो फिर मैंने उनको फोन किया, मैं कहा पंडित जी आप मुझे नजर नहीं आ रहे, आप कहां हैं? वो कहते हैं यजमान आप आंखें झपके आप प्रकट हो जाऊंगा। तो 10-1 मिनट के बाद पंडित जी आए। आई वॉज फ्यूरियस, आई वॉज वेरी एंग्री। तो माता जी ने मुझे कहा नहीं नहीं हवन है, तुम करवा लो शांति से। तो हमने करवा लिया। जब हवन में मैं बैठा तो मेरे दिमाग में कुछ विचार आए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इट इज नॉट दैट ही वॉज लाइंग, वो झूठ नहीं बोल रहे थे पंडित जी, उनको वक्त का, उनका ड्यूरेशन, उनका सांचा गलत है। उनके लिए 5 मिनट के मायने गलत हैं। उनकी वोकैबुलरी में एक डिफरेंस है। एक जो मायना होता है एक वक्त का या किसी चीज का, या वी स्पीक मेटाफोरिकली, यू नो, जैसे हम कई बार किसी आदमी को गाली दे के बात करें, डू वी रियली मीन के हम वो उसको गाली दे रहे हैं? हम एक आदमी को बोलते हैं आई विल बी बैक इन अ सेकंड, टू रियली मीन के आप एक सेकंड में वापस आ रहे हैं? तो ये एक डेफिनेशन, मेरे ख्याल से अगर एज ए नेशन हमें प्रोग्रेस करना है
तो हमें एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि व्हाट वी डू हैज टू कम फ्रॉम व्हाट वी मीन एंड व्हाट वी मीन कम्स फ्रॉम व्हाट वी बिलीव इन. सो लेट अस ऑल बिलीव इन सर्टन थिंग्स एंड देन स्टार्ट मीनिंग देम एंड देन इवेंचुअली डूइंग देम. सर वेरी गुड. तो आपने सुना डॉक्टर शर्मा से कि ठीक से समझिए और कई बार जो आप कहते हैं वो शायद मीन नहीं करते या मायने नहीं होते, इसको समझना पड़ेगा और हमको कथनी और करनी में एक समन्वय बनाना पड़ेगा. धन्यवाद डॉक्टर शर्मा. प्रोफेसर शर्मा, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द शो. जरा सा छोटा ब्रेक, आते हैं फिर लौट के. धन्यवाद. आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगा जिसने अपने समय और अपने हालात दोनों से ही कंप्रोमाइज नहीं किया, दोनों टांगों से मुताइज हो गए. लेट्स वेलकम जोगेंद्र सिंह सलूजा. अब ये निचोड़ जो कहते हैं ना, सिखिया तो की सिखिया. आज प्रोफेसर शर्मा से हमने पूछा, समझा, और उसमें मुझे जो समझ में आया कि इफ यू वांट टू मैनेज द टाइम, इग्नोर द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन, लर्न टू से नो, डू मल्टीटास्किंग, व्हिच वाज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. एंड आई वुड ऐड वन मोर थिंग, दैट बिलीव दैट टुमारो नेवर कम्स, एंड दैट्स अ मूवी ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन, टुमारो नेवर कम्स. इसके साथ ही मैं अभी आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगा जिसने अपने समय और अपने हालात दोनों से ही कंप्रोमाइज नहीं किया. जोगेंद्र सिंह सलूजा, जिसको प्यार से सब लोग बिट्टू पाजी कहते हैं, ही इंस्पायर्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर डिसेबल्ड एंड इन अ वेरी स्पेशल वे. इनको बचपन में पोलिया हो गया, दोनों टांगों से मुताइज हो गए, बहुत से ऑपरेशंस, 14 ऑपरेशन उनकी लेग्स पे किए गए और लोगों ने नेचुरली फन बनाया, क्योंकि जब ये इन्होंने सोचा कि मैं जिम में एनरोलमेंट अपना किया, जब दोनों पांव नहीं हैं काम कर रहे, फिर भी जिम में एनरोलमेंट किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, पर ये उस चीज से टिके नहीं, रुके नहीं और अपनी मेहनत से इन्होंने अपना बॉडी बिल्डिंग बनाया और 16 साल की एज में इन्होंने दिल्ली का मिस्टर दिल्ली टाइटल जीता. इनसे और भी जानेंगे. लेट्स वेलकम जोगेंद्र सिंह सलूजा. वेलकम राजी, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. थैंक यू. सो ये यात्रा किस तरह की रही थोड़ी हूं तक, हूं कितनी उम्र है थोड़ी? सर मैं जस्ट 31 का हूं. और यात्रा जेडी सी की बड़ी अच्छी सी, तो थोड़ी दुखदाई थी लेकिन अच्छा था, एंजॉयमेंट था लाइफ में. अगर दुखदाई ना होती तो शायद जोगिंदर सिंह सलूजा का जो नाम है इतने अच्छे तरीके से ना लिया जाता. वेरी. तो अभी मैंने सुना कि आप कई जिम और वर्कआउट चीजें चला रहे हैं. हाँ जी. और बहुत से जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में जिम करवाते हैं और सब कुछ कराते हैं. जी, मेरा एक सपना था जब मैं पहली बार जिम गया था, 6 लोगों ने उठा के जब मेरे को व्हीलचेयर से बिठाया था अपना जिम के बेंच में, तो तभी मैंने मतलब एक अपना दिल बना लिया था कि मैं एक ऐसा डिसेबल्ड फ्रेंडली जिम बनाऊंगा जहां की एबल लोगों के साथ डिफरेंटली एबल्ड, और जो लोग नहीं मतलब ये सोचते कि हम नहीं कर सकते, चाहे वो पैसे की वजह से, चाहे वो अपने मतलब कि एक्सक्यूज होता है कि उम्र ज्यादा हो गई है जी, नहीं, नहीं कर सकते,
मैं कर सकता कि नहीं, मैं कर सकता बॉडी बिल्डिंग तो तुम करने की लोड़ नहीं है। चलो मैं वही मैं अपने स्टूडेंट्स नाल वही गल कर रही, सर के चेहरे से नूर कितना है, यह चीज देख के बड़ा इंस्पायर होया मैं। थैंक यू। देखो इनके बारे में एक हमने पैकेज भी बनाया हुआ है, देखें क्या और भी चीजें सुनेंगे आप समझेंगे। जिंदगी के इम्तिहान में पास होने के लिए जरूरी है हम सफल होने की तैयारी करें। संघर्ष सिर्फ एक शब्द नहीं, ये जिद है जुनून को जीत में बदलने का। जोगिंदर सिंह सलूजा ने अपने जीवन में कड़ा संघर्ष किया है। जन्म के 9 महीने बाद ही आपको पोलियो हो गया। ये वो वक्त था जब आपने दुनिया को समझना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन संकल्प जरूर ले लिया था सफल होने का। आपने 14 साल की उम्र में जिम जाना शुरू किया, लेकिन दिव्यांग होने के कारण आपका मजाक उड़ाया गया। इन हालात में भी आपने हार नहीं मानी और जीत की तरफ आगे बढ़ते गए। तो जब मैं 14 साल का था तो मैं पहली बार जिम हिट किया, तो जिम जब हिट किया तो लोगों ने सोसाइटी ने हमारी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो तब मेरे माइंड में जब मेरे को उन्होंने डीमोटिवेट किया तो मैंने उस चीज को अपने लिए मोटिवेशन की तरह लिया कि ये लोग अगर मेरे को डीमोटिवेट कर रहे हैं तो मैं इनको प्रूव करके दिखाऊं। आपने 15 साल की उम्र में मिस्टर दिल्ली का खिताब जीता, 16 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया। 2004 से 2014 तक आप पैरा पावर लिफ्टिंग में नेशनल चैंपियन रहे। जोगिंदर सिंह सलूजा न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हुए बल्कि अपने जैसे कई और दिव्यांग लोगों की भी मदद की। दिल्ली के विवेक विहार में आज आपका वर्कआउट वंडर्स के नाम से जिम है, जहां दिव्यांगों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। जोगिंदर सिंह सलूजा ने हिम्मत और जुनून की एक नई मिसाल पेश की है। आपने इस बात को साबित कर दिखाया कि अगर हौसले मजबूत हों तो बड़े से बड़े पत्थर को भी हिलाया जा सकता है। तो एक इनको देख के, इनकी बात देख के मुझे एक बात याद आई, उर्दू की एक शेर याद आया, नाजां हो खुदा, ऊपर वाले की थोड़ी मेहरबानी हो, नाजां हो खुदा दिल में हो आगरे तो ऊंचाई भी तुझे झुक के हाथ दे। सही गल है, राइट सर, राइट। तो ऊंचाइयां भी तुम्हें तो अब ये बताइए, आपको जब 24 साल में राष्ट्रपति ने जब आपको नेशनल रोल मॉडल का प्राइस दिया जी, उस वक्त क्या चल रहा था आपके मन में? सर बड़ी खुशी थी, और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मेरे माँ बाप ने ये सोचा था कि एक डिफरेंटली एबल बच्चा हमारे साथ आया है, बड़ा स्पेशल समझते थे। मेरी माँ ने जब मैं छोटा सी मैनू गोदी में लेके फिरती थी, थल्ले भी उतर नहीं देती थी मम्मा मैनू कि अपना थल्ले उतर के मैं मतलब मेरे पैर गंदे हो जाएंगे या मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं चलते पांदा नहीं सी, वॉकर नाल मैं चलिया 10 महीने का जब मैं सीगा, उसके बाद फिर मतलब मेरा चलना फिरना जरा सीगा वो मतलब काफी मुश्किल हो गया। लेकिन मेरी माँ ने जब मेरे को इतना उतरने नहीं दिया तो जिम जाने का सपना तो मेरा बड़ा ही मुश्किल था। जब एक एवर बंदा सोचता है कि जिम जाऊंगा जी बड़ा हड्डियों में पेन होगा और मतलब बड़ा दर्द होगा, एक एबल बंदे के लिए सर एक डिसेबिलिटी और जिमिंग दोनों मतलब एक मतलब आपकी धारणा में ही मतलब कि लोग आ ही नहीं सकता। यस, मतलब एक एबल बंदा जब इतना सोचता है और जब थोड़ा सा मतलब बंदा एजिड होता कहता है अरे जिम, अरे बाबा नहीं बाबा जिम, अरे मेरे लिए, जिम मेरे लिए थोड़ी ना, मैं तो यार योगा करके काम चला लूंगा है? जिम वगैरह नहीं कर सकता मैं। तो सर वो बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन मैं बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ अपने माँ बाप का जिन्होंने मतलब मेरे को मतलब ये मौका दिया कि जिम जाने का मतलब मेरे को अवसर मिला। और आपके कोई सवाल जोगिंदर सिंह जी से? सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको इतने लोगों ने डीमोटिवेट किया और कभी कभी खुद से भी लगता होगा कि ये शायद मेरे लिए चीज नहीं है, तो आपने इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कैसे चैनल किया? यार यही तो बात है ना, यही तो खासियत है जोगिंदर सिंह सलूजा की। एक्चुअली में क्या है ये अरे डीमोटिवेट करना अच्छी चीज है, हमारा पता नहीं हम लोग उसको नेगेटिव क्यों लेते हैं। जब तक बंदे को कोई डीमोटिवेट नहीं करेगा ठीक है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? पहले तो मेरे को ये बताओ, आप में एक आग चिंगारी कौन जलाता है? डीमोटिवेशन है तो चिंगारी जलाता है आपके अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
हम लोग सोचते हैं कोई डिमोटिवेट ना करे। अरे भैया क्यों ना करे, अरे करो। मैं तो अभी भी कहता हूँ यार, मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगी, मेरे को मेरे कुछ लोग हैं अभी डिमोटिवेट करें ताकि मैं ओलंपिक में मेडल जल्दी लेके आऊं ना यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सैल्यूट सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। जैसे कि एक आम इंसान के लिए ही जिम जाना बहुत टफ होता है, लोग सोचते हैं कि क्यों जाऊं अभी सो लेता हूं थोड़ा, आपके लिए उससे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा, तो आपने आपके लिए मोटिवेशन क्या था कि आप जिम गए और आपने स्टार्ट करा जो आपका मूवमेंट है? यार मुझे दर्द से बड़ा प्यार था, पता नहीं क्यों। वाह, ठीक है ना, बहुत अच्छा कहा, दर्द से प्यार था। मुझे दर्द से बड़ा प्यार था, जब मुझे पेन होता है ना डंबल उठाने में, 20 किलो का ना घोटा यार, तो यार बड़ा डंबल लेके यार मजा नहीं आ रहा है ना, तो बड़ा प्यार था मेरे को दर्द से। उस प्यार ने ना मेरे को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के लिए भगवान ने मेरे को खड़ा कर दिया कि हाँ आगे जाओ और दिखाओ लोगों को, 25-25 से काटे 40 जुड़ी तो मारो यार, हद हो गई है ना। जिंदगी के बैंक में आपके हर सुबह 86,400 रुपए जमा किए जाते हैं, और कंडीशन ये है कि आप आज के आज ही उसको सबको निकालोगे, उसका इस्तेमाल करोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। सबसे पहले तो आपको सलाम है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप बताइए, जो आपका फर्स्ट दिन, जो पहला दिन था आपका, आपने माँ को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आपके पैर गंदे हों, और वो आप एक आप जिम में जा रहे हैं जहाँ पे आपको रोज वर्जिश करनी है, पूरा शरीर गंदा होगा, तो निकलेंगे, आपने कैसे कन्विंस किया और पहले दिन का मानू किस तरह मनाया वो पूछ रहे। मानू बड़ा मुश्किल सी थी बनाना, दसवंत कौर, मेरी मम्मी बड़ी कड़क है, वो बड़ी कड़क है यार, दुनिया देख देख के डर जाती है। मेरे स्टूडेंट घंटी बजा के ना मेरे घर पे कभी आते हैं, पीछे खड़े हो जाते हैं कि मम्मी कुछ कहना दे कि जिम के लिए आया, नहीं बिट्टू जिम नहीं जाएगा, अभी भी कहती है कीमत कर, जब चोट लग रही तभी भी कहता। बड़ा मुश्किल था माँ को बनाना, और देखिए हर बच्चे को मतलब अपने घर वालों को इस स्टेज पे, जो स्टेज मेरे साथ थी, 90% ऑफ डिसेबल जो मेरी बॉडी में थी, मेरी अपर बॉडी भी सर पैरालिसिस विच आ गई थी, लेकिन वो जिन्हें मेरे ऑपरेशन किया डॉक्टर, वो हूं भी नहीं मानता यार तू अपर बॉडी किमें वर्कआउट कर लेगा। मेरे डॉक्टर ने भी मैंने किया, मैं क्या सर ऐसा होता है थोड़ा दिल दिमाग मजबूत है, तुसी हैंडीकैप नहीं हो। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा मुश्किल थी का, मेरे पापा बड़ा कहता है, पापा कहता जानते जसवंत कौरे तू क्यों मना करती है, मुंडा अच्छे काम ले जा रहे हैं। फिर माँ कहती यार नहीं तुसी चुप कर जो, नहीं जान देना इनू जिम, जिम की करेगा, वैसे पैर कमजोर है, जिम जाके ते उत्तो भी और कमजोर हो जाएगा। वो मैं क्या मम्मी मैं पैरा तो गिर गया माता दे, फिर माता मैनू जान जान दे, या तो मैनू घरों बाहर जान दे, मैं घर छड़ के जा रहा मैनू जिम जा दे, ठीक है ना। वो माँ कहती तू घर छड़ के जा, तू जिम जरूर जा। फिर मेरी माँ मैनू आके प्रोटीन भी बना के देंदी थी, मेनू बड़ा अच्छा लगता थी, मैं बड़ा सपोर्ट, मैं मेरी माँ ते मेरे प्यो ने बड़ा सपोर्ट किया जी, मैं अपने वर्ग के बंदे नू जेड़े मेरे वर्ग के ने, मैं मापिया नू मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि सपोर्ट करो अपने बच्चों नू, मेरे मापे ने मैं सपोर्ट किया, मैं इधर पहुंच गया, तुम अपने बच्चे को सपोर्ट करोगे जो स्पेशली एबल है, वो पता नहीं कितने पहुंचेंगे यार। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा, ये होती है पावर, जो चीज हम नेगेटिव समझते हैं उसको इन्होंने एक एज एसेट लिया, लायबिलिटी की जगह, तो ये बड़ी चीज है। सर जैसे आज का टॉपिक है हमारा टाइम मैनेजमेंट, और आपके लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आए हैं, लेकिन आपने तब भी इतने सारे वर्ल्ड कप एंड ट्रॉफी जीती है, तो आपने अपनी लाइफ में कैसे टाइम मैनेज किया था? टाइम मैनेजमेंट किस तरह की था? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट देखिए, खालसा कॉलेज में पढ़ा हुआ मैं, बड़ा मुश्किल होता था, थोड़ा टफ टाइम था मेरे लिए, कॉलेज जाके अपने आप को अपने शरीर को भी तैयार रखना। टाइम जो होता है उसको आपको ना समझना पड़ता है एक्चुअली, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, टाइम को ना वक्त को कदर दोगे ना तो वक्त तुम्हें वापस कदर देगा, ठीक है। वैल्यू जो होती है टाइम की उसको समझो, और हर एक मिनट को, सर ने बोला कि 24 घंटे को अपनी जिंदगी समझो, मैं कह रहा हूं 24 मिनट को अपनी जिंदगी समझ के देखो, आपको खुद अकल आ जाएगी जिंदगी में क्या वो करता क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप टाइम को मैनेज करने के लिए उसको रिस्पेक्ट करना सीखिए, और टाइम आपको रिस्पेक्ट करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिट्टू भाजी तुसी आए इससे बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत, हाँ थैंक यू।
योगेंद्र सिंह जी की बात सुन के एकदम से ऐसे कहते हैं ना कि 33,000 वोल्ट का झटका लगा। मतलब ऐसी स्थिति में आज आप देख रहे थे और मैं देख रहा था कि किस जील से वो हमसे बात कर रहे थे। वेरी गुड। तो अल्टीमेटली ये तो थोड़ा सा हम लोग अपनी नादानी में जिंदगी गुजार देते हैं और समझते नहीं कि कीमत क्या। मैं ये कहूंगा लास्ट के कंक्लूजन में, अगर हम अपने जीवन को या अपने समय को अगर बैंक में जमा कराएं, ये समझिए कि आप जिंदगी के बैंक में आपके हर सुबह 86,400 रुपए जमा किए जाते हैं और कंडीशन ये है कि आप आज के आज ही उसको सबको निकालोगे, उसका इस्तेमाल करोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। अगर आपने उसमें छोड़ दिया बैलेंस बाकी शाम तक, तो वो लैप्स हो जाएगा, अगले दिन भी नहीं मिलेगा। और इसमें ओवरड्राफ्ट भी नहीं है क्योंकि ये करंट अकाउंट है। अगर ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो तो कल वाला आप पहले से एडवांस में कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। करंट अकाउंट है, आज का पैसा आज इस्तेमाल करो, उसको इन्वेस्ट करो, उसको जितना मर्जी उसका संवर्धन करो, बढ़ाओ। अगर वो नहीं करना चाहते तो वो लैप्स होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये 86,400 सेकंड रोज भगवान हमको देता है, उसका ठीक से इस्तेमाल करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाषचंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाइप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे।